देखिए हमारे पास क्या है, टाइप वन हमारे पास क्वेश्चन है। इस पे देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब हम करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है एक बार पेपर पे नोट करके अपने सामने रख ले बच्चे, प्लीज सब बच्चे। अगर नहीं याद है तो तब भी कम से कम आप एक्टिव तो रहे ना क्लास में, तो आप शीट पे सामने रख लीजिए, एक दो बार उसे यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो टाइप वन क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं बेटे, कि आपको रेशो गिवन होगा, रेशो गिवन, और आपको पॉइंट निकालना होगा, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो इस पे देखो कुछ सिंपल से क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, और कुछ थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। हम पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसका एक पार्ट और हम कर रहे हैं। सौलत कुछ पूछना है जी? सौलत कुछ पूछना है बेटे? शर्माते नहीं है, यहाँ सब सीखने के लिए ही बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है, किसी पूछ को रहा कोई हूँ, गलती बात से हो नहीं, गया बोलो जवाब दो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बेटे किसी भी बच्चे को। तो यहाँ हम जो है सीखने के लिए तो बैठे हैं बेटे। देखो जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें रेशो गिवन था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल एक तरह से क्वेश्चन है। ये देखो जरा ध्यान से बच्चे, पहला क्वेश्चन तो ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मैं दूसरी बात आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि इस टाइप पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो जिससे आपको आइडिया भी हो जाए। चलिए मैं बता भी देता हूँ कि हमारे पास एक ही तरह के क्वेश्चंस कितने हैं, तो जब आप करें पढ़ाई करें तो आपको पता भी रहे। होता क्या है, हम एक तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कर नहीं पाते हैं, एग्जाम में फिर वही आ जाते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू ये हमारे पास है, और कल हमने किया था क्वेश्चन, ये सिर्फ इसी पे बेस्ड है, रेशो गिवन है इस सब में। हमने एक एग्जाम्पल किया था, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो दीज क्वेश्चंस आर ऑन सेम टाइप। इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसी पे बेस्ड, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इसमें आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। और ये भी चलो इसी में ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये भी हमारे पास रेशो गिवन में ही आ जाएगा। ये देखिए बेटे, तो दीज 5 क्वेश्चंस आर सेम टाइप। मैं देखूं अगर एग्जाम्पल भी कोई हो इन पे बेस्ड। 6 तो हो गया एग्जाम्पल, तो आपको पता भी रहे कि हमारे पास ये नहीं है। 7 पॉइंट, ये एग्जाम्पल 8 BC पे बेस्ड है, ट्राइसेक्शन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 8, ये भी इसी पे बेस्ड है। दैट्स इट, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब आप देखो कितने क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ एक ही टाइप के हैं, तो जब भी आप अपना चैप्टर पढ़ें प्रैक्टिस करें तो एटलीस्ट आपको आइडिया भी हो कि मुझे अलग अलग क्वेश्चंस कितने करने हैं। तो अगर इनमें से एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, डिफरेंट वैरायटीज की हम बात कर रहे हैं, तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। होगा क्या, मान लो आपने एक ही तरह के ये 10 क्वेश्चन कर लिए और दूसरा नहीं करा, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं होगा। इन सब के अंदर क्या है, रेशो गिवन है और पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम 6 हमने डिस्कस कर लिया था, आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल 6 में डिस्कस कर चुका हूं,
और क्वेश्चन नंबर वन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां देखो आपसे एग्जांपल एट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। विजिबल है सब बच्चों को? ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दोनों सेम लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक मैं कर रहा हूं, एक आप करेंगे। तो अब यही करना है क्लास में कि मेरे साथ साथ आप एक्टिव रहा करेंगे, इसीलिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि भाई आप बच्चे कैमरा ऑन रखें और अपनी कॉपी पे मुझे करते हुए नजर आए, तो पता चले कौन बच्चा कर रहा है। देखो अब जरा ध्यान से, तो यहां हमें डायरेक्ट नहीं दिया होगा रेशियो जैसे हमें दिया था कल, आज हम कैसे करेंगे वो देखो। चलो एग्जाम्पल एट पढ़ते हैं, फिर उसमें से निकालते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। यस, आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ट्राइसेक्शन को उसने एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट्स डिवाइडिंग इन थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमारा ये लाइन सेगमेंट, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये मेरा ए है। सब बच्चे पहले क्वेश्चन को समझा कीजिए, सॉल्यूशन तो इंशाल्लाह अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 - 2 इज ए, और ये ए जॉइन कर रहा है बच्चे बी को, और बी है -7, 4। तो देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए 2 - 2 एंड बी -7, 4। आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो हमें थ्री इक्वल पार्ट्स ट्राइसेक्ट करना है इस लाइन सेगमेंट को। तो प्लीज ध्यान से देखो, सपोज करो थ्री इक्वल पार्ट्स, तो एक पॉइंट यहां हो जाएगा और एक पॉइंट यहां हो जाएगा। तो नाउ वी हैव थ्री इक्वल पार्ट्स, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। यस सर नो? यस सर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ सब बच्चे कि इस ए बी को थ्री पार्ट्स में करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए हमें? अरे नहीं सर, इसमें तो 2 points चाहिए। 2 चाहिए, yes, 2 points needed। ठीक है, suppose करो this one is P and this one is Q, तो आपको इन points के coordinates चाहिए, find the coordinates of points। अब बताओ question clear हुआ या नहीं? अभी solution नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने question समझा है कि what is the question actually? Question is there is a line segment AB, we need two different points that trisect this line segment, that divides this line into three equal parts. Yes or no? Yes. Yes, sir. सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. हम कोशिश करेंगे कि चलो वैसे तो वन लाइन कह रहा हूं लेकिन नहीं, चलो अलग से देखेंगे। तो हम क्या करना है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए x2 y2। ठीक है, या ए बी सी डी आप जो भी मान लीजिए, हमें ए बी। अब मुझे आप ये बताओ, अगर ये थ्री इक्वल पार्ट्स हैं बेटे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका रेशो 1:1:1 होगा? यस सर नो? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो 1:1:1 होगा, लेकिन बेटे हम तो इस तरह से नहीं निकाल सकते तीन पार्ट वाला, हमें तो 2 पार्ट वाला रेशो पता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है PQ divides AB into three equal parts, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं Q को भूल जाता हूं। Q को भूल जाइए, अगर मैं Q को भूल जाऊं तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि P जो है AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2:2 वंडरफुल, सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। है ना बेटे? क्योंकि बेटे हमारे पास तो ये वाला पोर्शन अब 2 हो गया है ना, तो अब हम इसकी जरूरत नहीं है 1 वाले की, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, तो अब हमें जरूरत है बेटे इसकी। ये हमारा हो गया 2। सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे बेटे ध्यान से सुन लीजिए, पी क्यू लेट लेट पी क्यू ट्राइसेक्ट ए बी। पहली बात तो हमने ये लिख दिया, सो पी डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2 रेशो। सब बच्चे बताओ समझ में आ गया या नहीं आ गया? पहले तो हमने कहा कि पी क्यू ट्राइसेक्ट करता है, तो क्यू हमारे पास यहां है। ठीक है, तो ठीक है थ्री इक्वल पार्ट्स हो गए, लेकिन पी अकेला जो हम कह रहे हैं, सो पी जो हम कह रहे हैं कि पी जो है पी डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2 रेशो।
तो क्या कोई बच्चा p की वैल्यू निकाल सकता है क्योंकि a b तो दिया हुआ है? Yes. हाँ भाई, क्यों भाई बच्चे? तो क्या हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो p इक्वल्स टू, p इज इक्वल्स टू, देखो यही लिख के निकाल देते हैं। m1 कितना है बच्चे हमारे पास? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस सेवन से। बेटे यही कर देते हैं सीधा, 1 × −7, माइनस को ब्रैकेट में ले देते हैं, प्लस। बेटे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, है ना, जब x निकाल रहे होते हैं तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे क्या आता है बच्चे? m1 + m2, है ना बेटे, रेशो का सम। 1 + 2। सब बच्चों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। सबको? यस सर। आ रहा बेटे, शाबाश। अब चलो बताओ, y जब लेते हैं तो y के लिए क्या करते हैं बेटे? m1 y2, है ना, y से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटे सब। अब सिर्फ हम y से करेंगे, तो देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? 4 से, 1 × 4। और 2 को किससे करेंगे बेटे? -2। वंडरफुल, 2 × −2, शाबाश बच्चे। और नीचे क्या आएगा बेटे? 1 + 2। गुड, सिंपलीफाई करो बेटे, देखो p क्या आ गया, 1 × −7, -7 होता है, 2 × 4 होता है, -7 + 4, -3 हो जाएगा। लगाओ जी सर, जब देखेंगे इंशाल्लाह। तो -3/3 बेटे, यस और नो? -1, है ना बेटे। और 4 × 4 और ये -4, 4 − 4 कितना बेटे? 0/3। तो बेटे बताओ p कितना आ गया सब बच्चे? -1, 0। सब बताइए, थोड़ा बहुत समझ में आया बेटे? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनिए सब बच्चे, प्लीज देखो, मैं थोड़ा सा दोबारा से फिगर को बड़ा कर रहा हूँ, आप सिर्फ फिगर को फोकस करो। हमारा p आ चुका है और हम p को यूज भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं बेटे। हम क्या कर रहे थे, हमने p निकाला था, अब हम थोड़ी देर के लिए आपसे कह रहे हैं कि आप p को भूल जाइए। किसको भूल जाइए? p को। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि q a b को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1। वंडरफुल, वेरी गुड, इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ, बहुत अच्छे बेटे। तो हम कह सकते हैं कि q डिवाइड्स a b इन द रेशो 2:1, यस और नो? यस सर। जैसे हमने p निकाला वैसे हम q निकाल सकते हैं ना सब बच्चे? Yes, sir. मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, लेकिन मैं फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगा सब बच्चों को, प्लीज ध्यान से देखो। तो हमारा Q आ जाएगा, सो Q डिवाइड्स AB, ठीक है, into 2:1 रेशियो। जो बच्चा डेली पढ़ेगा, रोज पढ़ेगा बेटे, उसे समझ में आएगा। अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो अगले दिन बिल्कुल भी, जैसे अगर आपने कल नहीं पढ़ा था तो आज समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो चीजें कंटिन्यूटी वाली हैं, तो इसलिए रोज आपको पढ़ना है माशाल्लाह। ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस भी नहीं करते, तो क्यू हमारा आ जाएगा। अब बताओ बच्चे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -7। यस, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस को थोड़ा सा ब्रैकेट में यूज किया कीजिए, प्लस। 1 को किससे करेंगे बेटे? 2 से। एक्स को एक्स में, जब हम एक्स निकाल रहे होते हैं तो एक्स यूज करते हैं, और नीचे हो जाएगा m1 + m2, 2 + 1। इसी तरह से हम y निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे? y। अब आप y से मल्टीप्लाई करो, yes। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, किससे? 4। और 1 को बेटे? -2। तो 2 × 4 + 1 × −2, −4.2/2+1। तो ये हमारा बेटे q आ गया, लेकिन मैं अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा, सब बच्चे ध्यान से देखना। बताओ 2 × 7 = -14। -14 + 2 12 माइनस का -12। और बेटे 2 × 4 = -4। नहीं बेटे, नहीं सर, आंसर -4.2। अरे क्या बात है, मतलब आगे चल रहे हैं, गुड। तो q कितना आ गया बच्चे? -12/3 = 4 और 6/3 = 2, है ना। तो आप क्या कह सकते हो? तो आप कह सकते हो, सो p -10 and q -42 trisect AB, yes or no? Yes sir। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes sir। चलो अब जरा दोबारा से देखो, जरा सब बच्चे इधर आ जाइए।
जब हमने बेटे P निकाल लिया था, सब बच्चे प्लीज ध्यान से दोबारा से फोकस करिए सिर्फ फिगर पे। आप में सपोज करो बेटे ये आपका P आ गया था और P बेटे हमारा आया था -10, कितना आया था -1, -1, -1, 0। ये हमारा P आ गया था बेटे -1, 0। यस और नो? यस सर। अब आप जरा मुझे ये बताओ, आपने मुझे ये कहा था बेटे कि PQ ट्राइसेक्ट AB, ट्राइसेक्ट का मतलब दिस पार्ट इज वन, दिस पार्ट इज वन, दिस पार्ट इज वन, ठीक है। अब जरा जिस पे मैं आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं P को देखो, ये हमारा P है बेटे, ठीक है, और ये बेटे हमारा B है, B। आप मुझे बता सकते हो P B के लिए Q क्या है? मिड पॉइंट, बाईसेक्ट, बाईसेक्ट कर रहा है, वंडरफुल। 1:1 रेशो, कितना? 1:1। तो क्या हम इसको मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। अगर हम मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं बेटे, तो ये जो हमने किया था Q डिवाइड्स इनटू 2:1 रेशो, इसकी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं, चलो शाबाश, देखो यहाँ देखो, सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए। हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ ये कह सकते हैं, यहाँ इधर लिख लेते हैं, तो आपकी चॉइस रहेगी क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पे बेस्ड है। हम क्या कह रहे हैं बेटे, नाउ क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी, यस और नो? आप बताओ Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मिडपॉइंट का फॉर्मूला याद करो क्या था, x1 + x2/2। देखो सब बच्चे फोकस करो P और B पे, P -1 है और B -7 है, यस और नो? यस सर। x1 - 1 + x2 - 7/2, यस और नो? सब बच्चे बताओ। यस सर। x1 + x2/2। अच्छा बेटे y1 बताओ क्या है? 0। p और b पे ध्यान करना है, p और b पे ध्यान, तो 0 + 4, यस और नो? यस सर। यस सर। 0 + 4/2, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बताओ बेटे -1 - -7 कितना हो जाएगा बच्चे? -8। -8/2 कितना होगा बेटे? -4। और 4/2 कितना होगा बच्चे? 2। तो देखो Q हमारा -4, 2 आ गया, नहीं आ गया? यस। यस सर। आपको समझ में आया? यस। यस सर। यस सर। हमें P तो निकालना था बेटे 1:2 से, लेकिन Q की जरूरत नहीं थी, Q हम मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड समझ में आ गए? यस सर। चलो नोट करो, थोड़ा सा पेन चलाओ और फिर अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, चलाओ शाबाश, देखो जरा दोनों मेथड नोट करो, फोटो लेना हो जैसे भी सेव करना है करो, और फिर इस सेम इसी पे कैटेगरी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ सेम है, ठीक है, जिसमें हमें रेशो गिवन होगा और हमें पॉइंट निकालना होगा। अब रेशो अलग अलग तरीके से हो सकता है, अगर मिड पॉइंट वाले से नहीं करना हो तो जो ऊपर बताया था उससे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम किसी से नहीं है बेटे, एग्जामिनर को तो सब पता है, वहां नीचे आपका टाइम सेव हो रहा है बेटे, बस इतना सा है। दूसरी बात, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वहां रेशो वाला हो रहा है, यहाँ मिड पॉइंट भी यूज हो रहा है। ये तो आपकी आसानी के लिए है कि आप कैसे सोचते हो। नोट कर लिया? यस सर। मिड पॉइंट वाला भी यूज करो जल्दी से फटाफट।
हो गया सर? यस सर। यस गुड। देखिए अब हमारे पास क्या है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जो दोनों चीजें कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप में से कौन बच्चा इसको समझ पाता है। यहां हमारे पास 3 sections थे, यहां हमारे पास है 4 sections, 4 equal parts। देखो इसे समझो जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना है क्वेश्चन पे और जो हमने पीछे पढ़ा है उस पे, कि ये हमारे पास है ए एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और बेटे ये हमारे पास है बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। ठीक है, आपसे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 equal parts। तो आपको बेटे सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि 4 equal parts करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 points चाहिए। सो पी क्यू आर डिवाइड्स ए बी इनटू 4 equal parts। तो पहली बात तो हम यही कह रहे हैं, लेट पी क्यू एंड आर, ठीक है, डिवाइड्स ए बी इंटू 4 equal parts। अब सब बच्चे ध्यान से सोचो कि अगर बेटे मुझे ए पी निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है? पी, तो रेशो कितना बनेगा? 1:3 सबको ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो हम P निकाल लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. अच्छा, Q के लिए क्या करोगे? 1:1 Midpoint. नहीं, midpoint. किसका midpoint? 1:1 A, B का. A और B का. A और B का. Wonderful. थोड़ा सा सब जो खामोशी से सुन रहे हैं, वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ करो, कम से कम अपने आप ही अपने दिल में बोलते रहा करो, तो आप बिजी रहोगे और थोड़ा सा एक्टिव भी रहोगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमें बी निकालना है, सॉरी क्यू निकालना है, तो क्यू हो जाएगा मिड पॉइंट, तो फिर ये रेशो जो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा, है ना बेटे? यस सर। अच्छा बताओ yes, आर के बारे में क्या राय है, आर क्या करेगा? 3:1 वंडरफुल, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बेटे शाबाश। तो अगर हमें आर निकालना होगा तो हम कह सकते हैं 3:1। सबको समझ में आ गया? सर आर निकालने के लिए हम क्यू और बी का मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं ना? यस बिल्कुल, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, लेकिन अब दोबारा से सोचो इस क्वेश्चन को, सब बच्चे थोड़ा सा फोकस करो, दोबारा से आओ इसको इजी करते हैं। हम क्या करते हैं बेटे, हम सबसे पहले क्यू ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्यू। क्यू तो क्यू क्या होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ए बी का। ए बी का, यस और नो? यस सर। विल बी इजी? यस सर। और मैं थोड़ा सा यही निकाल भी दे रहा हूँ, बताओ हमारा एक्स वन कितना है? -2 और एक्स टू कितना है? +2 तो -2 + 2/2 0। एक सेकेंड हमारे पास आएगा -2 + 2/2 एंड वाई वन कितना है? 2 + 8/2 यस और नो? यस सर। ये हमारे पास है -2 + 2 0 होता है और 8 × 2 = 10, 10/2 = 5। सब बच्चे बताओ क्यू आ गया या नहीं आ गया? यस सर। यस सर। सारे बच्चे बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मिड पॉइंट का फॉर्मूला बच्चे x1 + x2/2 होता है
और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 by 2 होता है, हमें रेशो की जरूरत नहीं है 1 is to 3 या 3 is to 1, कोई जरूरत नहीं है। अब फोकस करो, दोबारा से फोकस करो, किस पे फोकस करो भाई, अब फोकस ये करो बेटे कि अगर मेरे पास a है और मेरे पास q है तो p के बारे में क्या राय है, p मिड पॉइंट है, q का मिड पॉइंट, वंडर, सबको समझ में आ गया ये बात? यस सर। ये भाई yes, p जो होगा वो aq का मिड पॉइंट होगा, किसका, AQ का, चलो शाबाश, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, x1 plus x2 upon 2, x1 कितना बचे यहाँ पे, माइनस 2, और x2 कितना होगा, 0, 0, वंडर, माइनस 2 plus 0 by 2, है ना बच्चे, और 2 plus 5, minus 1, 2 plus 5 by 2, yes or no, yes sir, yes sir, अच्छा अब सब बच्चे Q और B के बारे में सोचो, R क्या होगा, midpoint, QB का midpoint, wonderful, क्या हो जाएगा बेटे, 0 plus 2 by 2, है ना भाई, 1, yes sir, और 5 plus 8 by 2, सब बताओ समझ में आया या नहीं आया, yes sir, है ना भाई, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो चलो अभी से थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, अभी तो हमने ऐसे ही लिख दिया था, सब बच्चे प्लीज आ जाओ देखो दोबारा से, ये तो हमने ऐसे ही कैलकुलेशन आपको करके बता दिया, तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपका जहन किस तरह से इस क्वेश्चन को लेता है, तो ये हमारे पास है, हमने क्या कहा था कि PQR divides AB into four equal parts, तो आप मेंशन करेंगे बेटे Q is the midpoint of AB, तो हमारा डायरेक्ट हम Q निकाल देते हैं, X1 plus X2 by 2, y1 plus y2 by 2, minus 2 plus 2, 0, 2 plus 8, 10, 10 by 2, 5, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, हमारे पास हो जाएगा, now P is the midpoint of AQ, तो A हमारा कितना है, minus 2, 2, और Q कितना आया, 0, तो P हमारा आ जाएगा माइनस टू प्लस जीरो बाई टू एंड टू प्लस फाइव बाई टू, तो माइनस टू बाई टू इज माइनस वन, टू प्लस फाइव सेवन बाई टू, यस सर नो, यस सर, अब हमारे पास आएगा आर, क्या आएगा, आर, नाउ आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड बी, क्यू बी, है ना बेटे, तो R क्या हो जाएगा बच्चे, Q कितना था हमारा, 0 plus 2, 0, Q हमारा है 0, 5, और B कितना है हमारा, 2, 8, 0 plus 2 by 2 and 5 plus 8 by 2, तो 2 by 2 कितना होगा बच्चे, 1, और 5 plus 8, 13 by 2, 13 by 2, सबको समझ में आ गया, Yes, तो अब हमारे पास P, P हमारा है बेटे माइनस वन सेवन बाई टू, Q, Q हमारा आया 0.5, R, R हमारा आया 113 बाई टू, डिवाइड्स AB इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, यस और नो, यस सर, इज द आंसर क्लियर सब बच्चों को, यस सर, यस सर, नोट करना है तो करो जल्दी से फटाफट, देख अल्लाह तेरा शुक्र है सर,
नोट कर लिया बेटे? यस। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप सब बच्चे जरा देखो क्वेश्चन को किस तरह से आप समझते हो। सिर्फ इसी टॉपिक पे है, सिंपल, तो आप इसे कैसे सोचते हो ये देखो। If A and B are minus 2 and 2 minus 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is 3 by 7 AB and P lie on the line segment AB. अब इसके बारे में सोचो क्या करोगे आप? सोचो सर जी जरा इसके बारे में। आया कुछ समझ में बेटे थोड़ा बहुत? किसको आया, कौन बताएगा मुझे? हिफ्सा? नहीं आया सर। 7AP is equal to 3AB. 7AP is equal to 3AB. वेरी गुड, शाबाश। आगे देखो, चलो सब बच्चे देखो, अब थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा था। हमारे पास क्या है अगेन बेटे, ये A है और कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -2, और बच्चे ये बी है एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 -4, और ये है बेटा ए बी। ये आपसे कह रहा है यहां हमारे पास कहीं पे पी पॉइंट है, ठीक है, और आपसे कह रहा है ए पी, दैट इज ए पी is 3/7 of AB. तो आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। AP upon AB is equals to 3/7. Yes or no? Yes. हाँ भाई, सब बच्चे बताओ। Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ बेटे, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये है AP, ये AP, ये है 3, ये 3 है, और बेटा जी ये हमारे पास है AB, ये पूरा, और ये हमारा है 7। अगर AP हमारा 3 है तो AB हमारा कितना है? टोटल 7। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो AP तो 3 है, क्या कोई बच्चा मुझे PB बता सकता है? 4। वेरी गुड, कितना? 4। तो फिर हमारे पास बताओ रेशो क्या आ गया P के लिए? 3:4। बहुत अच्छे बेटे, अगर हमारे पास रेशो आ गया तो क्या हम P निकाल सकते हैं? Yes, sir. बस तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटे। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सो AP upon PP is equals to 3/4। अगर AP upon AB 3/7 है तो AP upon PB 3/4 हो जाएगा बेटे। Yes or no? Yes, sir. अगर हो जाएगा तो P निकाल दीजिए। कौन बच्चा बताएगा P के कोऑर्डिनेट? 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 2 से, बड़ी सी बात है।
ठीक है, तो थ्री को करोगे टू से मल्टीप्लाई, और फोर को किससे करोगे? माइनस टू से, अपॉन थ्री प्लस फोर. यस और नो? यस यस. फिर वाई निकालना है, अब थ्री को किससे करोगे? माइनस फोर. और फोर को? माइनस टू से, अपॉन थ्री प्लस फोर. ऐसे आएगा. तो बताओ, थ्री टू जा सिक्स, फोर टू जा माइनस एट प्लस सिक्स, -2/7 20/7. ठीक है, ये पास आ जाएगा. और थ्री फोर जा 12 -12 -8. जी शादाब साहब, कैसे मिजाज हैं? और बताइए कहाँ. अरे सर क्या करें, मजदूरी तो करनी है. जी बताइए कैसे कैसे हाल आप. जी चलिए जी जी अरे आप कब आएंगे सर ओखला में? आपसे ही मुलाकात की, बच्चों से तो बाद में होंगे. चलो मैं आपसे 6:30-7 बजे के बाद इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे आपसे. हाँ भाई बच्चे, हो गया या नहीं हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, एग्जाम में आया हुआ है. आगे समझ में? Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो, बहुत अच्छा बात. अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन क्या था, जब हमें रेशो गिवन होता है. अब दूसरा होता है कि नहीं, पॉइंट गिवन है, रेशो निकालो. तो ये क्वेश्चन हमने कल किया था, अब हम टाइप टू कर रहे हैं. तो टाइप टू में रेशो फाइंड करना होगा. फाइंड द रेशो, कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन. टाइप टू, इस पे भी देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है. फाइंड रेशो, ठीक है. पॉइंट गिवन, देखिए कितने क्वेश्चंस हैं. तो जब आप इस तरह से कैटेगराइज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 3-4 तरह के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, तो थोड़ा सा आपकी मदद हो जाएगी. जैसे ये एग्जाम्पल 7 शायद हमने कल किया था, इन व्हाट रेशो. तो आपको रेशो फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, एग्जाम्पल 7. फिर हमारे पास क्या था, एक ही क्वेश्चन आएगा. यस, ये इंपॉर्टेंट है, आज ये डिस्कस करेंगे. तीन ही तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, रेशो गिवन या रेशो फाइंड करना और मिड पॉइंट. दैट्स इट. एक ये फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट. ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल डिस्कस किया था, तो 2 हमने किए थे. क्वेश्चन 4 हो चुका है, हमने एग्जाम्पल 7 कर लिया है और क्वेश्चन 4 कल कर लिया. ये हम अब करेंगे एग्जाम्पल 9 और ये क्वेश्चन नंबर 5. ये
ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव. That's it. तो ये मैं पास और बाकी भी सारे मिड पॉइंट के. तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव मैं ले रहा हूं. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन. ठीक है, रेशियो भी निकालना है पॉइंट भी निकालना है. निकल जाएगा पॉइंट भी जब रेशियो आ जाती है. तो इसे समझने की कोशिश करें. सब बच्चे ध्यान से देखिए. सपोज करो पहले तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ही देखते हैं. प्रॉब्लम हमारा क्या है. ये बच्चे हमारा वाई एक्सिस है. दैट इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अवर एक्स एक्सिस. तो आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. आपसे कह रहा है ए हमारा है 1-5. तो सपोज करो मैं आपसे कह दूं यहां हमारा ए है. हमें ऐसे नहीं करना है. अभी तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. फिर मैं बता दूंगा कैसे हमें करना. ये हमारा ए है और सपोज करो हमारा जो बी है वो यहाँ है. बी लिखने का तो हम कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन मैं चलो एक्चुअली बता रहा हूँ कौन कौन से क्वाड्रेंट में. ये हमारा ए बी और अब ये हमने लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया है ए बी को. ठीक है, मैंने तो चलो ओरिजिन से निकाल दिया लेकिन छोड़िए. ये हमारा ए बी है. ठीक है सर, आपसे कह रहा है कि ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस सर. तो होगा क्या बेटे, प्लीज ध्यान से देख लो. एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए. अब मैं थोड़ा सा इसको तो हटा दे रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है वाई एक्सिस की. ठीक है, हमारे पास होगा क्या, कभी भी लाइन डिवाइड नहीं करती है किसी भी रेशो को, पॉइंट डिवाइड करता है. ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे. किस पे लाई करेगा? तो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा ए बी को रेशो में, दिस और दिस. और हमने क्या कहा था, जब भी हमें रेशो सपोज करना होता है हम रेशो ले लेते हैं केस टू वन. यस और नो? यस सर. ठीक है, अब मुझे बस एक चीज बता दो क्योंकि रेशो तब निकलेगा जब पॉइंट पता होगा. किसी बच्चे को पता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे होते हैं? एक्स कॉमा जीरो. एक्स एक्सिस पे क्या होता है इतना? अदनान कह रहे हैं कि x एक्सिस पे x कॉमा जीरो होता है. मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है. क्या होता है? y कोऑर्डिनेट जीरो. तो हम क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे x कॉमा जीरो. है ना भाई? यस और नो? यस सर. बस अब अगर बेटे हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, अगर हमारे पास एक्स या वाई कोऑर्डिनेट होता है तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे. ठीक है, ठीक. अब जरा देखो, अब हमें इस तरह से नहीं बनाने की जरूरत थी, अब हम डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे. हम तो सीधा सीधा सा ऐसे लिख देंगे बेटे, हमारा काम चल जाएगा कि सर ये ए है, दैट इज 1-5 और ये हमारा बी है, दैट इज 4-5 और हम कह रहे हैं ये पी है, दैट इज एक्स कॉमा जीरो. तो आप क्या कहोगे? लेट पॉइंट, ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, पी, ठीक है, एक्स कॉमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड, या ये कह लीजिए, ऐसे भी मत लिखिए, ऐसे कह देते हैं, लेट एक्स एक्सिस, ऐसे कहते हैं, डिवाइड्स ए बी इंटू के इज टू वन रेशो. ये हमारा के है और ये हमारा वन है एट पी एक्स कॉमा जीरो. यस और नो? ठीक है कि भाई पी जो है एक्स कॉमा जीरो उसको ए बी के इज टू वन रेशो में डिवाइड करता है. तो प्लीज बताओ जरा P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मतलब y तो जीरो है ही, x क्या आएगा? सॉरी, y वाले फॉर्मूले से ही ले लेते हैं. y का फॉर्मूला है जीरो, तो k को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटे?
5 से k into 5 और 1 को किससे करूं -5 से अपॉन k प्लस 1 k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0 तो आपके पास क्या आएगा 5k-5 5 को इधर ले जाओ k is equal 5 से डिवाइड कर दूं k is equals to 1 तो फिर रेशो रेशो क्या आ गया हमारा 1 is to 1 रेशो k is to 1 माना था क्या माना था 1 is to 1 तो रेशो हो गया 1 is to 1 क्या हो गया रेशो 1 is to 1 अगर रेशो 1 is to 1 हो गया तो क्या आप x निकाल सकते हो यस सर x1 + x2 / 2 तो -4 + 1 -3/2 तो हमारा p हो गया -3/2, 0 बेटे म्यूट कर लीजिए तो p हो गया -3/2, 0 आ गया सर समझ में यस सर तो हमारे पास रेशो भी आ गया और हमारे पास कोऑर्डिनेट भी आ गया तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे तो फिर ये बाकी के क्वेश्चंस मिड पॉइंट वाले कोशिश कर लेंगे सर यस सर चलो यस सर ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे तो प्लीज तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग नोटबुक लेके पेन लेके और नाद होके तैयार होके बैठेंगे इंशाल्लाह और कैमरा आपके ऑन रहेंगे खैर आज आप सब लोग एक्टिव रहे थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसी तरह से अलर्ट रहना है ठीक है यस यस सर ओके जी अल्लाह हाफिज़